हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? दोस्त आए हैं सभी को गुड इवनिंग। जय हिंद जय हिंद कुणाल, कैसे हैं आप सब? तो गाइज, आज आप देख रहे होंगे कि मैं बैठने की बजाय खड़ी हुई हूँ, तो इट मीन्स कुछ आज के लाइव में कुछ डिफरेंट होने वाला है और कुछ बहुत बड़ी नॉलेज हमें मिलने वाली है, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारी जिंदगी बदल सकती है। या ऑफ कोर्स हम सभी लोगों को ज्वाइन करेंगे। हेलो गजानंद जी, हेलो सुनील, बिल्कुल बिल्कुल आपको ऐड करेंगे, सभी को ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, और जैसा कि आप सब मेरे नाम के सामने लिखा हुआ देखते हैं, कॉन्फिडेंस कोच। तो कॉन्फिडेंस कोच मतलब क्या हुआ, कॉन्फिडेंस क्या हुआ, कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है, मैं कॉन्फिडेंस क्यों सिखाती हूँ, तो कॉन्फिडेंस का क्या असल में मतलब है और ये क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में, और इस कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, उस कॉन्फिडेंस के बढ़ने के बाद कैसे हमारी जिंदगी बदल सकते हैं, उन सब चीजों के ऊपर आज मैं बात करने के लिए आई हूँ। और आज मैं बड़े स्पेशल तरीके से आज आपको मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आपके लिए व्हाइट बोर्ड भी रेडी कर लिया है, और ये आपको फ्रंट कैमरा से नहीं समझ आएगा, तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। सो आई होप अब आप समझ पाएंगे कि कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है। आज हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस के ऊपर, कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है, वाई भाई, इसके बगैर भी काम चल सकता है ना। हाँ ऑफ कोर्स चल सकता है, लेकिन इसके बगैर आप उतने पावरफुल तरीके से अपनी जिंदगी को नहीं जी सकते जितने आप जीना चाहते हैं, जितने बड़े आप सपने देखते हैं। अब अगर आप चाहें, ओके कॉन्फिडेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, सो हाउ आई विल इम्प्रूव दिस एंड हाउ आई बूस्ट माई कॉन्फिडेंस, सो दैट टाइम एक क्वेश्चन आता है कि मैं कैसे और क्या करूं कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। आई डोंट नो मैं आप लोगों को दिख रही हूँ या नहीं, बिकॉज मैंने कैमरा भी चेंज कर दिया, बैक में कर दिया है। एंड फिर बात आती है कि ओके अगर मैं ये बूस्ट कर लूंगा, अगर मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया, तो मुझे उसका क्या फायदा होगा, देन मैं क्या पाऊंगा, क्या रिजल्ट होगा। क्योंकि जब आप कुछ भी सोचते हैं ना कि मेरे को ये पाना है, मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है, तो उस वक्त एक चीज सबसे मेन होती है कि जो एक डिफिकल्ट वाला जो आपका रास्ता है, जो आपको पाना है ना, जिसके लिए आपको जाना है, तो डिफिकल्ट रास्ते के बारे में जो आप सोचते हैं तो आपको डर लगता है, यार मैं कैसे कर पाऊंगा, नहीं यार मुझे डर लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि इन कांटों पर चलने के बाद, इस बंजर भूमि में, इस रेगिस्तान में, तपती धूप में चलने के बाद, आप जहां पहुंचेंगे, जहां आप पहुंचेंगे, वहां जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, जो चीज आपको मिलेगी, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो आप हर मुश्किल को सह सकते हैं। तो वो वैल्यू जो आप अपनी जिंदगी के फ्यूचर में, आप अपने गोल में डिसाइड करेंगे, ये सब करने के बाद पहला हो गया कि क्यों जरूरी है, आपको पता चल गया, आपको समझ आ गया, देन आपको कैसे करना है, जब कर लेंगे तो उसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। तो आपका गोल ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो मेहनत है, वो मेहनत आपको खुद से लगे कि यार ये मेहनत तो बहुत कम है, जो मैं पाना चाहता हूँ उसके लिए तो ये मेहनत बहुत कम है, राइट। तो उससे होता ये है कि रास्ते की जो तकलीफें हैं, जो दर्द है ना, वो बहुत हद तक कम हो जाता है। गाइज अभी मैंने कैमरा फ्रंट में कर लिया है, तो अभी मैं आप सबके मैसेज देख पा रही हूँ, बिकॉज मैंने अभी बैक कैमरा ऑन करके मोबाइल टर्न करके रख दिया था, तो अगर आपके किसी के कमेंट में ना रीड कर पाऊं तो प्लीज बुरा मत मानना। हाँ बिल्कुल, मेरी लाइव अभी आप नहीं देख सकते, नो प्रॉब्लम, मेरी लाइव यहीं पर मैं अभी अपलोड कर दूंगी इंस्टा पर, तो आप जब चाहे, जब आपके पास टाइम हो, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेशनल है, आपके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि अब हर दिन या जितना भी पॉसिबल हो पाएगा, जितना मेरे पास टाइम होगा, आप सबके लिए पहले की तरह अगेन फ्री लाइव आएंगी, जिसमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो मैंने सोचा पहली शुरुआत हम फर्स्ट स्टेप से करते हैं, जो मेरे कम्प्लीटली पेड सेशन है। देखो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब स्कूल में जाते हैं, है ना, तो जो बच्चे कुछ होते हैं बड़े दबंग तरीके के, बदमाश तरीके के होते हैं ना, वो कुछ बच्चे जो बहुत शाय होते हैं, जिनका सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है ना, जिनमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होता, उन बच्चों को वो दबाते हैं, उन बच्चों को परेशान करते हैं, ना जायज परेशान करना, उनकी गलती ना होते हुए भी टीचर्स से उन्हें डांट पड़वाना। तो एक वो जो बच्चा है ना, जिसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन स्कूल में वो सब कुछ सह रहा है,
सब कुछ वो धीरे धीरे देख रहा है, उसका जो छोटा सा बचपन का जो प्यारा सा दिमाग है ना उसके ऊपर गलत असर जा रहा है, तो वो धीरे धीरे और ज्यादा इनसिक्योर फील करने लग जाता है और ज्यादा डरने लग जाता है। उससे होता ये है कि एक वक्त के बाद उसे ये बात इस बात पर यकीन हो जाता है कि हाँ मैं औरों से बहुत कम हूँ, सब लोग मुझसे बहुत परफेक्ट हैं, मैं उन सबसे बेकार हूँ। और ये एक चीज धीरे धीरे उस छोटे से बच्चे को अंदर से मार देती है। इस चीज पर ध्यान देना कि किसी भी इंसान को कामयाब बनाने के लिए एक सबसे जो मेन चीज होती है वो होता है उसका बचपन, उसका परिवेश, उसे कैसा माहौल मिला है, उसके आसपास का कैसा एनवायरनमेंट है, उसके घर का कैसा एनवायरनमेंट है, उसके स्कूल का, उसकी कॉलेज का कैसा एनवायरनमेंट है। लेकिन हम अक्सर करते क्या है, अब भी हम करते हैं, बहुत से पेरेंट्स अक्सर यही करते हैं, बेटे को बेटी पर एक मारपीट कर रहा है, दूसरी मारपीट खाकर चुप है, तो वो बच्चे क्या सीखेंगे, या तो मारना सीखेंगे या कुकु बेटा गेट खोल दो, मेरे मोबाइल का ना नेटवर्क नहीं चल रहा गेट बंद होने की वजह से, थैंक यू। ओके, तो सबसे बड़ी बात एक ही है कि घर का माहौल इतना नेगेटिव बना हुआ है, हर इंसान परेशान है, बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूं, लेकिन कहां पर, जहां पर उसको प्यार देना चाहिए वहां पर वो नफरत और गुस्सा दे रहा है, जो कि उसका घर है, और जहां पर उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम करना चाहिए अपने बॉस के सामने, अपने कलीग के सामने, वहां पर वो बहुत शाय है, थोड़ा सा कुछ बोलते हैं तो उसके साथ वाले मजाक बनाते हैं, अरे देखो 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 ये तो देखो प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा, अरे इसको देखो कल बॉस ने इसको इतना झाड़ा, पता है ये पिछली बार इसकी जॉब क्यों चली गई थी, ये ठीक ठीक से काम नहीं करता, अरे देखो ये तो आधे घंटे लेट आता है, ये हर बार लेट आता है, ये ऐसी ऐसी जो कमेंट्स होते हैं ना ये इंसान के मनोबल को तोड़ते हैं, और धीरे धीरे इंसान के अंदर वो इतनी गहराई तक घुस जाते हैं कि वो खुद इन बातों को मान बैठता है कि मैं किसी चीज के लायक नहीं। तो इन सब चीजों से उबरने के लिए और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए जिसके आप हकदार हैं उसके लिए सबसे पहली जरूरत है कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस ही आपको जो आज आप लाइफ जी रहे हैं जहां पर आपको शर्मिंदगी महसूस होती है कि जब आपके रिलेटिव जाते हैं, कोई दोस्त आते हैं, कोई भी शादी या पार्टी में आप जाते हैं, लोग बातें तो अपनी कर रहे हैं लेकिन अगर देख आपकी तरफ रहे हैं तो आपको लगता है यार ये मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, आपको लगता है कि हर कोई आपको देख रहा है, आपको लगता है कि हर कोई आपके बारे में बातें कर रहा है, ये होती है कि आप इस चीज को मान बैठे हैं कि आप इतने बेकार हैं कि हर इंसान सिर्फ आपके ऊपर हंसेगा, हर इंसान सिर्फ आपका मजाक बनाएगा। गाइस जिंदगी में बहुत सारे काम हैं, अभी भी हो सकता है आप किसी काम में बिजी हो, लेकिन इन 24 घंटों में अगर आप 10 मिनट आप अपने लिए यहाँ रुक कर ये सुन सकते हैं तो आई होप आपकी लाइफ में सुबह तक या आज से आपकी जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव जरूर आएगा। जो चीजें लोग हजारों लाखों रुपए देकर सीखते हैं, जो मैंने भी सीखी हैं, पैसे देकर ही सीखी, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ सिखा रही हूँ, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं अपने लिए, अगर आप अपने लिए इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आप एक हैप्पी लाइफ के हकदार नहीं है, फिर हमें जरूरत नहीं है ऐसी ऑडियंस की जो इन बातों को सुनकर समझकर अपना अपने घर में रहने वाले हर एक इंसान का जीवन बदल पाए। उस इंसान के लिए मैंने ये लाइव रखा है, चाहे वो एक हो चाहे एक भी ना हो तो भी मैं इस लाइव को अपलोड कर दूंगी, जिसको जरूरत होगी वो जाकर देख लेगा। ओके, तो एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब हमें पता है कि कॉन्फिडेंस इतनी अच्छी चीज है और इसके बगैर तो हमारी लाइफ बिल्कुल गोल है यार, हम बिल्कुल बेकार है, उसके बगैर हम कुछ कर नहीं सकते, तो फिर हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से ही इसको भरना थ्रू क्यों नहीं करते, वो इसको हमारे आसपास से पहले से ही मजबूत बनाकर एक मजबूत ओरा क्यों नहीं बनाते कि हम बड़े होते होते इतने स्ट्रोंग हो जाएं कि हमें उस चीज की कमी ना महसूस हो, हम डरे ना, हम कॉन्फिडेंटली जो कहना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, जैसी लाइफ जीना चाहते हैं वो हम जी सके, जो रिस्क हमें आगे पहुंचाए उस रिस्क को लेने से ना डरे, अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आने से ना डरे, फिर हमें क्यों नहीं सिखाया जाता, क्योंकि हमारे देश में हजारों सालों तक हमारा राज था, हमारा सनातन धर्म था, उसके बाद बहुत से आक्रांता आए और फिर अंग्रेज आए जिन्होंने हमारी जड़ों पर वार किया, जिन्होंने हमारी जड़ें तोड़ दी,
उन्होंने जो चीजें यहाँ पर दिखा दिखा कर, जो चमकती चीजें यहाँ दिखाई, उन चीजों के कारण हम लोग सिर्फ ये समझ बैठे कि यह नौकरशाही, नौकरी करना बहुत बड़ी बात है। जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है वो बेकार है, उसकी एजुकेशन बेकार है, और मिडिल क्लास और लोअर क्लास इंसान यार वो बिजनेस के बारे में तो सोच ही नहीं सकता। क्योंकि हमें बचपन से बोलते हैं ना घर वाले, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो। अरे भाई क्यों, खुल के पैर पसारो ना, इतनी औकात रखो कि एक बड़ी चादर खरीद सको। कब तक सिकुड़ कर पड़े रहोगे अपने उतनी ही चादर में? खुद को इतना मजबूत बनाओ, इस लायक बनाओ कि एक बड़ी चादर खरीद सको, एक बड़ा पलंग खरीद सको जिसमें आप आराम से पैर सिकोड़ के, तो क्या पूरे पैर फैला कर लेटे तो भी आपकी चादर छोटी ना पड़े। हम अक्सर करते क्या, हम जो काम हम कर रहे हैं रूटीन में वो करते हैं, सुबह उठते हैं, फिर उठते हैं, डेली उठते हैं, वही काम, दिन भर काम पे गए, आए, पचासों हजारों रील देखे जा रहे हैं जिनका हमारी जिंदगी में कोई लेना देना नहीं है, जिनका हमारा दिमाग खराब करने के सिवाय कुछ नहीं है, जो हमारे अंदर काम वासना के सिवाय और कुछ जगाएगा ही नहीं, जो आज जहां पर हम है वहां से हमें नीचे गिरा सकता है, ऊपर उठाने का मतलब भी नहीं है। हम उन वीडियोज को देखते हैं क्योंकि वो हमें अच्छी लगती है, हमारे अंदर जो एक चीज छिपी हुई ना वासना, उस चीज को वो अच्छी लगती है। आपको एक चीज आपने नोटिस की होगी, एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको जो आप कोई अच्छी चीज सिखाओगे ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है सिखाना उसको। आप बार बार बोलते रहते हो तब जाकर उसको बहुत टाइम बाद समझ में आती है। लेकिन अगर किसी बच्चे के साथ वो बाहर खेल रहा है और किसी बच्चे ने गाली दे दी ना, तो वो बच्चा भी आप घर में गाली देता है आकर, मतलब एक बार सुनी है उसने किसी बच्चे से, लेकिन वो घर में आकर गाली देता है। अब आप एक बात सोचिए कि उस बच्चे ने एक गलत चीज कितनी इजीली पकड़ ली, और हम जो बात उसे हर बार बताते, नहीं बेटा ये ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है, ये गंदी बात होती है, ये नहीं करनी होती, ये अच्छी बात होती है, ऐसे करनी होती है, उसको वो कितनी बार में जाकर समझता और फिर भी उतने परफेक्टली अपने माइंड में नहीं बैठा था जितना कि वो एक दूसरे बच्चे से सुनी हुई गाली को सुनकर घर में आकर गाली देता है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो इंद्रियां है ना, वो राक्षस प्रवृत्ति, जिसे कहते हैं राक्षस प्रवृत्ति, वो हमारे अंदर ज्यादा होती है। अब हमें बचपन से मेडिटेशन या अपने मन को वश में कैसे करना है, अपने अंदर कैसे उतरना है, अपने आप को कैसे कंट्रोल में रखना, इनके ऊपर हमें बचपन से कभी नहीं सिखाया जाता, राइट? अब सिखाया कुछ नहीं गया तो क्या है, जो चीजें छिपी हुई हैं वही हम देखते हैं बचपन से। हम टीवी में देखते हैं, क्या देखते हैं हम? क्राइम पेट्रोल, और उससे ज्यादा क्या देखेंगे? बहुत छोटे थे तो क्या देखते थे? शक्तिमान और शकला का बम्बू और सोन परी, उनमें भी क्या था? चीटिंग होती थी, वो उसको चीट कर रहा है, वो उसको चीट कर रहा है, वो उसको चीट कर रहा है, और सोन परी आके उनको बचा ले रही थी, राइट? हम शक्तिमान देखते थे जिसमें शक्तिमान बचाता था और बाकी बहुत सारे क्रिमिनल होते थे, मतलब हम अपनी आंखों से बचपन से क्राइम होते हुए देखते आ रहे। तो हमारे अंदर की जो एक बैड आपकी वाइब्रेशंस हैं, जो आपकी बैड जो थिंग्स है ना आपके अंदर, वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। और जब वो बुरी चीजें ज्यादा, उनको पलने के लिए ज्यादा चीजें आप दे रहे हो, क्योंकि आप क्या देख रहे हो, आप अभी यहाँ पर लाइव चल रहा है तो हम लोग कितने हैं, हम 35-36 लोग यहाँ पर है। अभी कहीं लाइव चल रहा होगा जहां पर बहुत गंदे तरीके से, अभद्र तरीके से हो रहा होगा ना, वहां पर 2,500-3,000 लोग बैठे होंगे, पता है क्या? क्योंकि वो लोग अपने अंदर उस पल रहे पाप को डेली खाना देते हैं, अपनी आंखों से गलत देखते हैं, कानों से गलत गलत बातें सुनते हैं और मुंह से गंदा बोलते हैं, तो वो अपने अंदर की उस बुरी चीज को खुद से पाल रहे हैं और फिर बोल देते हैं यार मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। अरे भाई कचरा बना लिया है तुमने, इस मंदिर जैसे पवित्र शरीर को कचरा बना दिया है, इसके अंदर सिर्फ गंदगी भरी हुई है। तो हमें बचपन से अगर ये सिखाया जाए कि भाई शरीर को कैसे कंट्रोल में रखना है, अपने चक्राज को कैसे बैलेंस करना है, अपने माइंड को कैसे अपने कंट्रोल में रखना है, तो शायद से हम इन चीजों की तरफ नहीं जाते और हमारे पेरेंट्स बचपन से हमें बताते कि कॉन्फिडेंस क्या होता है। लेकिन अगर नहीं सिखाया तो उन्होंने इतना तो सिखाया कि बेटे सही रास्ते पर चलना है। एक बात उन्होंने हमें सिखाई है कि बेटे हमेशा सही रास्ते पर चलना है, ये तो हर माँ बाप सिखाता है।
तो अगर अब बड़े होकर हमें समझ में आया कि सही रास्ता है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप पूरे कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी पोस्चर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए ताकि आप जो करना चाहें लाइफ में, जो पाना चाहें, सामने वाला खुद बे खुद दे दे। वो बोले यार क्या कमाल की पर्सनैलिटी है यार, क्या कमाल का बंदा है, क्या कमाल की नॉलेज है इसके दिमाग में। मतलब जब आप जॉब के लिए जाएं, जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं और आपसे पूछा जाए तो वो जो पूछे ना उसका इतना सटीक जवाब दे आप कि यार क्या कमाल का बंदा है, ये हमें टॉप पर लेकर जाएगा। ये चीजें आपको बनाती हैं औरों से अलग। हम क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ाई होगी, अब हमें कुछ नहीं सीखना। मेरा मानना है कि जब हमारी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई जब खत्म हो जाती है, असल जिंदगी में सीखने का दिन तब से शुरू होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं जो हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ाया वो तो रियल लाइफ में कभी काम ही नहीं आता हमें। अब अगर रियल लाइफ में हमें वो काम नहीं आता तो फिर हमने पढ़ा क्यों? कागजी डिग्री हम वहां देते हैं। अगर पुलिस में अगर बात करें, ट्वेल्थ पास मतलब जो उस वक्त ट्वेल्थ में जो हमारे सब्जेक्ट थे, मैथ, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, पुलिस में तो उन सब्जेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। अब भाई अगर तुम इंजीनियर बनाने के लिए अगर तुम्हें आईआईटी करवानी है तो इसका मतलब उसको आईआईटी में वो चीजें पढ़ाई गई है जो इंजीनियर बनने के बाद उसे काम आएंगे। अगर उसने मेडिकल साइंस का कुछ किया है उसके बाद वो डॉक्टर बना है, इसका मतलब उसने डॉक्टर से के रिलेटेड काम की सारी चीजें मेडिकल में सीखी हैं। अब हम डिग्री लेके किसी और चीज की घूम रहे हैं और जॉब लेने जा रहे हैं किसी और चीज की, क्या फायदा यार उस डिग्री का? इससे अच्छा है सेल्फ एजुकेशन। कॉन्फिडेंस किस चीज से बूस्ट होगा? कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपकी सेल्फ एजुकेशन से। आपकी सेल्फ एजुकेशन आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी, चाहे आपके पास डिग्री है नहीं है। अब आपने एक वो मूवी देखी होगी जिसमें थ्री इडियट्स मूवी सबने देखी होगी, राइट? किस किसने देखी है? चलो फटाफट से एक हम चेक कर लेते हैं कमेंट्स में कि कितने लोग सीरियसली हमारी बात को सुन रहे हैं। भाई थ्री इडियट्स मूवी किस किसने देखी है? और उसमें वो जो लास्ट में फाइनल स्पीच के टाइम पर जो बोलता है बलात्कार बलात्कार बलात्कार, वो वाला बंदा, उसका नाम क्या था उस मूवी में, उसका नाम क्या था? हाँ मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल राहुल, और भी बहुत सारे दोस्तों को ज्वाइन करेंगे, थोड़ा सा हमारा टॉपिक है इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं उसके बाद। भाई थ्री इडियट्स मूवी किस किसने देखी है? उसके अंदर जो बंदा है जो बोल रहा था मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ और वो सिर्फ लट्टू तोता था, तो उनके जो आमिर खान उस मूवी में थे उन्होंने उसको चेंज कर दिया था उसके भाषण को। तो उसमें हाँ तो बताइए थ्री इडियट्स मूवी किस किसने देखी है? अभी तक मेरे पास एक भी कमेंट्स नहीं आया है। थ्री इडियट्स मूवी किसी ने नहीं देखी? देखी है, ओके। शक्ति कपूर? उसमें शक्ति कपूर नहीं है उसमें शक्ति कपूर नहीं है थ्री इडियट्स मूवी में शक्ति कपूर नहीं है। मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, क्योंकि वो जो रियल में जिसके ऊपर ये कहानी बनी है उनको भी मैं फॉलो करती हूँ, उनका नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। क्या जो आमिर खान ने जिनका रोल किया था, नहीं देखी। देखो ओ माय गॉड, इतने लोगों में से किसी ने थ्री इडियट्स मूवी नहीं देखी? नहीं देखी? बहुत चली थी वो मूवी और फैमिली वाले भी सब लोग देखते थे। आपके पीछे बुक्स कौन सी है? मेरी बुक्स इस टाइप की होती है, बदले अपनी सोच तो बदलेगा जीवन, जीत आपकी, आनंद का सरल मार्ग, थिंक लाइक ए मॉन्क, हार छोड़ दास, चांचड़। राइट। और ये ऐसी ही बुक है, ये है द अल्केमिस्ट। ये सारी
वहाँ आपके ब्रेन का, आपके माइंड का, आपके बॉडी का कैसे थॉट प्रोसेस काम करता है, कैसे लाइफ काम करती है, कैसे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, कैसे लाइफस्टाइल बेटर बनती है, उनसे रिलेटेड सारी बुक्स हैं। तो उधर बैठो बच्चे, वहाँ बैठो। हाँ, रणछोड़दास चाचड़। हाँ, एक राजू था उसमें। और राइट, आपने नहीं देखी कोई बात नहीं, हम बताते हैं, उसकी स्टोरी बहुत मजेदार थी। राइट, जय द्वारकाधीश जी, थैंक यू। हाँ, उस मूवी में एक चीज मुझे बहुत जबरदस्त लगी जो मुझे सीखने को मिली उस मूवी में से। देखो, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो थी कि एक, बहुत दर्द हो रहा है। एक, उस मूवी में एक चीज बहुत जो अच्छी लगी, आपने देखा होगा कि आमिर खान जिस बंदे का रोल कर रहे थे ना, तो वो असल में वो बंदे नहीं थे जिसके नाम से वह डिग्री दी जा रही थी। देखा, क्योंकि वहां डिग्री किसी और बंदे के नाम से थी, और वो जो आमिर खान उस फिल्म में रोल कर रहे थे वो उनके घर का कोई नौकर होकर था जिसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन जिस बंदे के नाम से डिग्री ली जा रही थी उस बंदे को पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था मेरी तरह, उसको एजुकेशन से कोई, हाँ बिल्कुल, एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो नहीं है, लेकिन एक चीज सिखाने के बारे में है कि आपके कागजों में कितनी डिग्री आपके पास रखी है। अभी मैं, मेरा PhD फर्स्ट ईयर चल रहा है, तो जहां तक अगर मैं बात करूं तो मेरे डिपार्टमेंट में PhD किए हुए ऐसे ऐसे बंदे बैठे हैं कि आज कहें तो उनको कहीं प्रोफेसर होना चाहिए था, लेकिन वो एक बहुत छोटी नौकरी कर रहे हैं अपनी एजुकेशन के हिसाब से। लेकिन एक बात है कि आज का जो जमाना है वो बदल चुका है। अगर आपके अंदर एजुकेशन है, आपके भेजे में अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। उस मूवी में भी मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रही हूं कि उसमें आमिर खान जो रोल कर रहा था वो उसका रियल नेम नहीं था जिसके नाम से वो वहां पर डिग्री ले रहा था। और इसलिए देखा, एक चीज नोटिस की उस पूरी मूवी में, वो कॉलेज टाइम में भी हर जगह पर बिंदास जीता था। एक चीज देखी, जो हमारे पीछे जब कुछ चिपका दिया जाता है ना, एक चीज जब बता दी जाती है कि हाँ भाई तू ये है, तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन उस मूवी में और कोई नहीं जानता था, लेकिन आमिर खान जानता था कि मैं सिर्फ यहाँ सीखने आया हूँ, ये डिग्री मेरे आगे जाके कुछ काम नहीं आने वाली। तो वो हर पल को बड़ा बिंदास जी रहा था। अब यही हमारे लाइफ में होता है, हम लोगों के पीछे इतने सारे स्टिकर लगा दिए जाते हैं बचपन से, मेरा बेटा क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा क्या बनेगा, टीचर बनेगा, अरे नहीं नहीं मेरा बेटा तो पायलट बनेगा। तो एक बात सोचिए, नमस्ते नमस्ते नरपत भैया, कैसे हैं आप, कि जो इंसान खुद से नहीं जानता कि जमाने में ये डॉक्टर और ये टीचर होते क्या हैं, उसको जन्म लेते ही हमने बता दिया वो क्या क्या बनेगा। अब वो बेचारा बड़ा होते होते वो इतना कंफ्यूज हो जाता है, मम्मी बोले कि डॉक्टर बनेगा, पापा बोले इंजीनियर बनेगा, दोस्त बोल रहे अरे नहीं यार टीचर की नौकरी अच्छी है, कुछ दोस्त रिलेटिव बोल रहे अरे नहीं नहीं फलाने वाले लड़के का तो वो इतनी बढ़िया, पता नहीं कौन सा उसने कोर्स किया है, वो विदेश में गया है। अब आप सोचिए, वो बच्चा फिर उसको आखिर में पूछा भी जाता है, देखो हमारे यहाँ बड़ा अच्छा मजाक बनाया जाता है बच्चों का, आखिर में सबको थोपने के बाद, नमस्ते संदीप जी, थोपने के बाद पूछते हैं बेटा तुझे क्या करना है, तू क्या करना चाहता है। वो लड़का बेचारा इतना कंफ्यूज है सुन सुन के, उसने जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं कि मुझे क्या बनना है, क्योंकि उसे पता था कि मुझे सोचना ही नहीं है, सब लोग पहले से तैयार है मेरे लिए कि तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तो मुझे सोचना ही क्या है, उसको सोचने का मौका ही नहीं दिया। बाद में फिर हम लोग बोलते हैं कि मेरा बेटा कामयाब नहीं हुआ, मेरी बेटी कामयाब नहीं हुई, जिस बेटा और बेटी को हमने कभी सोचने के लिए टाइम ही नहीं दिया, जिसको हमने इतना लायक नहीं समझा कि वो अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले पाएगा, उसको बाद में हम बोलते हैं कि मेरा लड़का निकम्मा है, उसका लड़का देखो इतनी अच्छी नौकरी कर रहा है, इतना अच्छा पैकेज लेकर विदेश गया है, और ये देखो। तो एक चीज देखो कि आप बचपन से हम किस परिवेश में पलकर आ रहे हैं। हाय बोलो सबको, हाय, जय हिंद, जय हिंद, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप सब, आप कैसे हैं, आप सब, आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत अच्छे हैं। आज आपने क्या क्या पढ़ा, पता नहीं, आज मैंने अनार आम पढ़े, अम्मा
मैंने भेजा जो ये मैंने भेजा है, अभी देखो अभी जो झंडा भेजा है ना वो मैंने भेजा है। गुड गर्ल। बोलो आज मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की। आज मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की और मैंने मम्मा से पिटा भी। हाँ तो मम्मा की डांट क्या होती है? मम्मा की डांट पत्थर को तराशने के लिए जो चोट पड़ती है ना एक पत्थर पर, वो मम्मा पापा की डांट होती है। समझे? जो आपको तराश कर वो मूरत बनाती है, जो आपको पूजने के लिए दुनिया के लिए एक अलग दिशा निर्देशक बनने के लिए आपको तैयार करती है। आप समझ रहे हो? मम्मा मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नमस्ते राजू भैया। देखो देखो मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आपको क्या समझा रही हूँ। देखो अभी मैंने आपने बोला कि मम्मा ने मेरे को डांटा, अब आप क्या हो? ये आप हो, ठीक है? ये मम्मा है, ठीक है? अब यहाँ पर बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, देखो बहुत बड़ी दुनिया, चारों तरफ बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है? मम्मा ये आप और ये मैं हूँ। हाँ अब ये मैं हूँ और ये आप हो। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, अगर मम्मा आपको सही रास्ता नहीं दिखाएगी, ठीक है? अब यहाँ पर हमारा घर है और यहाँ पर आपको जॉब करनी है, या फिर आप बड़े होकर अलग अलग जॉब सेंटर बने हुए हैं तो आप डिसाइड करोगे कि मुझे किस में जाना है। लेकिन अगर अगर अभी मैं आपको नहीं समझाऊंगी, जब तक आप खुद समझने लायक नहीं बनोगे, तो आप ऐसे ऐसे करके इधर से निकल जाओगे, ऐसे ऐसे करके इधर से निकल जाओगे, इधर से निकल जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा मुझे जाना कहाँ है। तो मैं आपको ऐसी जिस लायक बना रही हूँ कि आप इनमें से ऐसे ऐसे करके यहाँ इसमें जा सको, फिर चेक करो कि ये मेरे लायक है कि नहीं है, फिर आप इस वाले जॉब के लिए देखो, फिर आप इस वाले बिजनेस के लिए देखोगे इन साइडों से निकल के कि मैं ठीक से जा सकूँ, फिर आप इधर देखो इन भीड़ में से निकल के और ऐसे जा सकते हो। तो मम्मा आपको क्या करती है? मम्मा आपको स्ट्रोंग बनाती है ताकि आप पूरी दुनिया के बीच में भी सेफली वहां तक पहुंच सको जहां आपको जाना है। मम्मा ये हमारा घर तो ये था, हमारे घर पे कौन ले गए? हाँ घर में तो हम है ही ना दोनों। तो अब आपको मेरी बात समझ में आई? मम्मा आपको क्या बनाती है? स्ट्रॉन्ग। गुड गर्ल। देखा अब आप जाओ, बाय बोलो सबको, बाय, लव यू। अच्छा नहीं, भैया का पेन है, भैया आपको डांटेंगे ना। मम्मा ये अच्छा मेरे को चाहिए पेन। हाँ मैं कल ला के दूंगी, ये आप रख दो, खराब हो जाएगा। नहीं। हाँ तो गाइस देखो अभी गुड़िया ने इतना प्यारा सा एक हमें और लेसन सिखा दिया है ना, कि हमारे बड़े भी जो हमें बताते हैं वो हमारे भले के लिए बताते हैं, लेकिन मामा जो एक कचकोरे कर रहा हूं ना, लेकिन हमारे बड़ों को भी ना हमें अपने ऊपर थोपना नहीं चाहिए हमारे ऊपर कुछ भी कि आपको यही करना है। हमें भी थोड़ा थोड़ा मजबूत बनाना चाहिए। हम क्या करते हैं ना, बच्चा जब छोटा होता है तो अरे मेरे बच्चों गिर ना जाए कभी, है ना, मतलब इतने ज्यादा मतलब हम लोग बच्चों को ऐसे रखते हैं नाजुक को, बच्चे को बिल्कुल पल्लू में छिपा के रखना, और बाद में फिर हमें एकदम से बोलेंगे कि मेरा बच्चा शेर बन जाए। अरे भाई शेर पालना है तो उसे बचपन से शेर का जिगरा भी उसके अंदर डालो ना। अगर शेर आप पाल रहे हैं थोड़ा सा उनको मुश्किलों में डालना सीखो, थोड़ा उनको परेशानियों में डालना सीखो, तो उन्हें पता चलेगा कि यार मुश्किलें भी कोई चीज होती है। अब हम क्या करते हैं ना, जब तक शादी नहीं होती और 12वीं पास नहीं हो जाती हमारी, जब तक हमारी 12th पास नहीं हो जाती तब तक हमारे यहाँ क्या होता है पता है? बिल्कुल कम्फर्ट जोन में मम्मा कहेगी बेटा दूध गर्म हो गया पी ले, ओके खाना खा ले, अरे नहीं मेरे लड़के को तो वो वाली सब्जी पसंद है, मेरे बेटे को तो मटर पनीर ही पसंद है, राइट। लेकिन एक बात देखिए, जो शादी हो जाती है, जॉब नहीं मिली, टाइम से सब कुछ नहीं हो रहा, तो सब गाली देना शुरू कर देते हैं उसी बेटे को। अब आप एक बात देखिए, निकम्मा दिन भर घर में पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता। अरे भाई तुमने ही तो सांड पाला है, तुम शेर पालते ना, धूप में भी भेजते, जंगल में भी भेजते, उसे बारिश में भेजते, उसको बरसात में भेजते, तो पता चलता ना कि जिंदगी में मुश्किलें क्या होती हैं। तुमने पहले से तो इतना नाजुक सा एक पप्पी पाल लिया, अब तुम समझो कि वो पप्पी आपका शेर की तरह भौंकेगा, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इन सब के लिए बहुत जरूरी है, मंशु जी, मेरी पोस्ट यहाँ बिल्कुल मायने नहीं है,
क्योंकि मैं यहाँ पर एज ए दिल्ली पुलिस ऑफिसर बिल्कुल भी नहीं उड़ी है। तो हमारी लाइफ में हम लोगों ने क्या कर रखा है ना, खुद को भी एक अलग ही जोन में रखा हुआ, अपने बच्चों को भी हमने एक अलग ही जोन में रखा हुआ है। अब भाई अगर उनको एक अच्छी लाइफ देनी है, एक कॉन्फिडेंट लाइफ देनी है, तो उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा, दुनिया को फेस करना सिखाना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, बचपन से कुछ किया नहीं, अचानक से शादी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मम्मा सास ये बोलती है, मेरे तो वाइफ बहुत बेकार है, मेरा बॉस बहुत बेकार है, मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दे दिया। अरे भाई बाहर निकले नहीं, दुनिया के बारे में पता ही नहीं, कैसे हैंडल करना है आपको। तो कुछ भी अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अब से हम यहाँ पर सीखेंगे एक साथ जिंदगी को किस तरीके से हर मोड़ पर आकर हम बेहतर बना सकते हैं। और आज से मैंने एक मुहिम स्टार्ट की है जिसमें हम शुरू करेंगे एक अलग तरीके से, क्योंकि बहुत से लोग सुसाइड कर रहे हैं, जिंदगी छोटी छोटी टेंशन में लोग सुसाइड कर रहे हैं। इतनी अच्छी खासी उनकी लाइफ है, जहां एक किसान दिन रात मेहनत करके भी एक टाइम खाना खाकर भी आप लोगों के लिए पैदा कर रहा है फसल को, लोग अच्छी भली सब कुछ होते हुए सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनका ऊपर कंट्रोल नहीं है। बॉडी अच्छी है, फाइनेंशियली स्ट्रोंग है, लेकिन इस माइंड को वो इतना वीक बना चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं है यार कि कंट्रोल कैसे करना है लाइफ को। तो गाइस जितने भी दोस्त यहाँ पर है, मेरी रिक्वेस्ट है एक तो फटाफट से जाकर, मेरे बायो में लिंक है, मेरा यूट्यूब चैनल है स्माइल विद चंदा, उसका लिंक मेरे बायो में है यहीं पर, प्लीज से जाकर वहां पर सब्सक्राइब करके आइए, मुझे सपोर्ट कीजिए वहां पर भी। मैडम मुझे एक प्रॉब्लम है, हेल्प कर दोगे? बिल्कुल प्लीज, अगर मेरे लायक हुई तो ऑफ कोर्स मैं करूंगी। मम्मा पता है मनीष, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपने कहा मेरा भी मन हो गया था। ये वाकई सच बात है, लेकिन एक बात सोचिए क्यों मन हो गया था। आप एक बात देखिए, ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा पढ़ाई लिखाई वाले सुसाइड कर रहे हैं। बात पढ़ाई लिखाई की नहीं है, बात इतना है कि आप लोग उन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाते हैं नहीं कर पाते, जिंदगी को आप कितना सीरियस ले रहे हैं और किस वे में सीरियस ले रहे हैं। यार एक बात बताओ, हर इंसान कहता है बुरे वक्त में मेरे कोई काम नहीं आता। माफी चाहती हूँ आज मैं बैठ नहीं पा रही, मुझे थोड़ा डिस्क में प्रॉब्लम है, तो खड़े होकर मैं थोड़ा कम्फर्ट हूँ, बैठने में बिल्कुल कम्फर्ट नहीं हूँ, 5 मिनट्स भी नहीं बैठ पाऊंगी, इसलिए खड़ी हूँ। कहते हैं कि लाइफ को कोई सीरियस किस तरीके से लेता है। अभी देखो बोला कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा से कोई मतलब नहीं है। मैंने अनपढ़ गवारों को फांसी लगा के लटकते हुए देखा है। और पढ़ाई का भी आप किससे लगा सकते हो, उन कागजी डिग्री से आप किसी की एजुकेशन का कोई हिसाब नहीं लगा सकते। आप किसकी लाइफ कितनी अच्छी है। अब आज से पहले जो हमारे दादाजी थे, उनके पापा उनके दादाजी थे, उस वक्त तो ये कागजी एजुकेशन नहीं थी, तो क्या मतलब वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो लोग इतने मुश्किल हालातों में भी जिंदगी जीते थे। पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त एक अलग ही तरह की लाइफ स्टाइल थी, जहां पर लगाव था नेचर से, जानवरों से, पक्षियों से, इंसानों से, रिश्तों से। आजकल इस टेक्निकल लाइफ ने ना, जहां पर सब कुछ डिजिटल हो गया है, जहां पर सब कुछ, सब लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं, मोबाइल से व्हाट्सएप से हाय हेलो हो जाता है, चलो ठीक है, तो वहां पर इमोशंस खत्म हो गए, लेकिन इंसान वही है। देखो बहुत गहरी बात है, इस चीज को प्लीज ध्यान से समझना, 5 मिनट रुकना, उसके बाद जहां भी जाना है जाना, 5 मिनट रुककर इस बात को सुनना। बहुत से लोग सुसाइड कर रहे हैं और ये बात मजाक नहीं है। हमारे लिए सिर्फ एक इंसान होता है, अच्छा फला बंदे ने सुसाइड कर लिया, लेकिन उसके पीछे कितने लोग जुड़े हुए हैं ये कोई नहीं जानता हमें से। कितने लोग उसके पीछे बर्बाद होते हैं, उसको बड़ा करने तक कितने लोगों ने अपनी मेहनत उसके ऊपर लगाई थी, कितनी उम्मीदें उसके ऊपर लगाई थी, वो हम नहीं जानते। जय हिंद HP, कैसे हैं आप? हाँ मानसु, हम आपके देखो एक आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत सीरियस है, और इसीलिए
मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि जो आजकल जो हम न्यूज में सुन रहे हैं, जॉब ना मिलने के कारण, ओवर एज होने के कारण फला लड़के ने सुसाइड कर लिया, जॉब में प्रॉब्लम चल रही थी फला बंदे ने सुसाइड कर लिया, बिजनेस कोरोना के कारण ठप हो गया था फला बंदे ने पूरी फैमिली के साथ सुसाइड कर लिया। अब आप एक बात देखिए, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन हमारे घर में से कोई जाएगा ना तो फर्क पड़ेगा, या जिस दिन वही कंडीशन जब हमारे ऊपर बीत रही होती है तो फर्क पड़ता है कि क्यों कोई मुझसे नहीं पूछ रहा, क्यों कोई मेरा दर्द नहीं समझ रहा। तकलीफ वही होती है जितनी हमें होती है उतनी औरों को होती है। तो यहां पर बात एक है कि हम जिंदगी को किस तरीके से लेते हैं। जितने भी दोस्त यहां पर हैं क्या समझते हैं, ओ जिसके पास पैसे ज्यादा है उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, मैंने अरबपति लोगों के घर में शमशान से भी ज्यादा सन्नाटा देखा है, इंसान को काटते हुए देखा है, बेकार है वो पैसा। अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर आप मेंटली बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे, अगर आप एक हैप्पी लाइफ नहीं जी पा रहे तो पैसा बेकार है। लेकिन अगर आप सब कुछ होते हुए भी आप बोल रहे हैं कि मुझे जीना नहीं है, किस लिए, छोटे छोटे से इन्नू इन्नू से बच्चे बोलते हैं मेरे को प्यार में धोखा मिला है, प्यार की स्पेलिंग नहीं आती उसको पूरी, और बोलते हैं मेरे को प्यार में धोखा मिला है। मतलब हद होती है किसी चीज की, जिस बच्चे को ये नहीं पता कि तेरी माँ ने अभी तक तेरी पोटी साफ की है, वो बच्चा 2 दिन बाद बोल रहा है कि मुझे प्यार हो गया किसी से, फिर मेरा दिल टूट गया, उसे पता है दिल क्या होता है। हम लोग देख रहे हैं मूवीज में सीरियल्स में यही देख रहे हैं कि अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन प्यार होता है, उसका छोड़ के जाना हार्ट ब्रेक होता है। दर्द ना भी हो तो इतने इतने सैड सॉन्ग बनाए हुए हैं हमारे लोगों ने बहुत पैसे पैसे कमाने के लिए ना, इतने सारे गाने बनाए हो ना, जब दुखी हो तो ये वाला गाना सुने, जब हमको पार्टी करनी हो तो आंटी पुलिस बुला लेगी ये वाला गाना सुने, अभी तो पार्टी शुरू हुई है यार तेरा कर लेगा हैंडल, है ना। जब हम रोमांस का मन करे तो रोमांटिक गाने बजाएं, और जब हम बहुत ज्यादा घटिया सोच के साथ वासना में जाएं तो हम ये वाले गाने सुने, जो हमें गुस्सा आए एटीट्यूड हो तो हम ये वाले गाने सुने। हमारी इंडस्ट्री ने हमारे इमोशंस का मजाक बना दिया है। अब आप एक बात सोचिए, नीचे एक कमेंट आ रहा है कि मेरे ऊपर किसी ने रेप केस लगाया, पोक्सो लगाया है, वो झूठा है या सच्चा है वो तो देखो आप ही जानते हैं, लेकिन इतना है कि अनजान लड़की तो नहीं लगवाएगी ना, और अगर लगा भी दिया तो क्या हो गया, अगर आप सही हैं तो, अगर आपने गलत किया है तो आपके ऊपर बनता है, लेकिन अगर आप सही हैं तो क्या फर्क पड़ता है, अरे मेरी इज्जत खराब हो जाएगी लोग क्या कहेंगे, भाई ये इज्जत क्या है। अब अगर सारे जमाने की इज्जत तुम पर थी तो फिर जमाना क्या कर रहा है पूरा, और फिर जमाने की इज्जत जमाने के पास है तो फिर तुमने क्या बिगाड़ दिया किसी का, समझने की कोशिश करना हम किस दुनिया में जी रहे हैं और सुसाइड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम एक आर्टिफिशियल दुनिया के ऐसे कांच की जिंदगी के बीच में कैद हो चुके हैं जहां पर सिर्फ हमें अपनी ही परछाई अपनी फोटो उस मिरर में दिखती है, उसके बाहर की कोई दुनिया हमें नहीं दिखाई दे रही। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ क्योंकि बहुत सीरियस हूँ। आज भी मैंने किसी का एक ऐसा मैटर सुना जिसको सुनकर दिल टूटा, बहुत दुख हुआ कि काश मैं उस इंसान की जिंदगी बचा पाती। अभी हम किस दुनिया में जी रहे हैं, देखो ये हैं हम, आप देखना ये पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड है, इसमें मैंने अभी जो बिंदु लगाया वो आप देख भी नहीं पाएंगे, बहुत छोटा है। देखो अब आपका जो हमारा जो देश है वो ये है, हमारा देश ये है और पूरा वर्ल्ड ये है, और ये पूरा बोर्ड ये ब्रह्मांड है, इसकी पूरी एनर्जी हर जगह पर एक्टिव है। अब आप एक बात देखिए, जिस इंसान का कहीं निशान ही नहीं है, ये हमारे गांव है, यहाँ पर लोगों की इज्जत है, ये हमारा वर्ल्ड है। अब इस बिंदु के मिट जाने से, इस पूरे गांव के मिट जाने से इस वर्ल्ड को क्या फर्क पड़ेगा, और उस गांव में से भी अगर आप किसी के एक इंसान के खत्म हो जाने से क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। अगर बात इज्जत की जाए तो इज्जत हम लोगों ने अपने हिसाब से तय की है, वही इज्जत
बड़े डिफरेंट तरीके से वर्क करती है अलग अलग लोगों पर। जब एक गरीब इंसान दारू पीता है ना, अरे साला दारू उड़ी आया देख कैसे नशेड़ी पी के उड़, और जब एक अमीर इंसान वही दारू बड़े महंगे वाली दारू अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है तो अरे यार क्या शौक है इसके, चीज तो एक ही है लेकिन लोगों के बोलने का लिहाज बदल जाता है। तो ये इज्जत कुछ नहीं होती। पहली बात तो अगर आपको अपने अंदर से लगता है कि मैं सही कर रहा हूं और मैं सही हूं, इट मीन्स आप सही है, दुनिया की कोई ताकत आपको बोले कि आप गलत हो सब बेकार है। अगर आपको अंदर से लगता है कि मैं ही गलत हूं, यार मुझे लगता है मैंने गलत किया है, तो वो गलत है। चाहे पूरी दुनिया आपको बोले क्या बात है, अरे क्या शाबाश क्या काम कर दिया। छोटी सी एक कहानी सुनाती हूँ, जितने भी दोस्त हैं फटाफट से लाइव को एक बार शेयर कर दीजिए, और जितने भी दोस्त हैं एक रिक्वेस्ट है, मेरे बायो में लिंक है मेरे यूट्यूब चैनल का, प्लीज़ ये दोस्तों जाकर मुझे वहाँ भी सपोर्ट कीजिए। वहाँ पर आपको ढेर सारी बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो मिलने वाली है जिनसे आपकी मेरी और हमारी सोसाइटी की लाइफ बदल सकती है। देखो एक छोटी सी शुरुआत से ही कहीं ना कहीं आगे जाकर एक बड़ा तूफान बनता है। कहीं से जब एक हल्की सी हवा चलती है वही आगे जाकर एक इतने बड़े तूफान का रूप धारण, आंधी तूफान बनकर सब कुछ उजाड़ती हुई निकल जाती है। वैसे ही जब एक छोटी छोटी सी बूंद बारिश की गिरती है, उन्हीं के इकट्ठा होने से एक स्ट्रीम बनती है, स्ट्रीम से नदी बनती है, और नदी से समुद्र बनता है। उन्हीं से बारिश होती है, उन्हीं से खेत सींचे जाते हैं, उन्हीं से जिंदगी चलती है। तो शुरुआत है ये छोटी सी, अगर मैं जिंदगी भर में किसी एक की जिंदगी बचा पाई तो मेरा जीवन सफल है। लेकिन आप कितनों की जिंदगी बचाना चाहते हैं? औरों की नहीं, अपने और अपने परिवार की बचाई। ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है। जो इंसान परेशान होता है ना वो नहीं सोच पाता, लेकिन उसके आसपास के लोगों को इतना अवेयर होना पड़ेगा कि हाँ मेरा दोस्त परेशान है तो मैं इसका हेल्प करूं। और पैसे की जरूरत नहीं किसी को देने की, बस उसको इतना स्टेबल बना दीजिए कि वो खुद से डिसीजन ले सके कि क्या सही है क्या गलत है। जब वो कुछ भी गलत करने वाला हो तो आप उसको समझा सके। जब आप देखें कि आपके ऑफिस में कोई इंसान जो हर दिन हंसता खेलता आता था, आपके साथ हंसी मजाक करता था, आज बड़ा गुमसुम रहने लग गया है आजकल, और लोग उससे बोलते हैं अरे यार इससे कौन बात करेगा जब देखो रोता रहता है, ऐसे लोग बाद में सुसाइड करते हैं। बहुत सीरियस टॉपिक है, कोई बात नहीं करना चाहता। देखो मेरे इस बात के करने से यूज भी घटने लग गए हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। जो इंसान परेशान है असल में उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए होता है, थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है कि वो एक ही बात को बार बार रिपीट करके अपनी परेशानी को आपको बताए। चाहे आप उसको अपने वेजे के अंदर लेके जाएं या ना लेके जाएं, या फिर आप उसको वो रास्ता दिखा दें कि भाई तू इस तरीके से अपनी जिंदगी से पार आ सकता है। एक लाइन किसी इंसान की जिंदगी बदल सकती है, मेरी भी बदली किसी ने, आप भी बदल सकते हैं। मुझे उम्मीद है जिंदगी भर में मैं भी किसी की बदल कर जाऊंगी। अब आप एक बात सोचिए, हम लोग क्या हैं? इज्जत मेरे ऊपर है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मैं कैसे लोगों के सामने फेस करूंगा? अरे यार कौन है वो लोग? जो लोग तेरे अच्छे वर्क में अच्छे टाइम पर तालियां बजा रहे थे, आज तेरा बुरा वक्त है तो वो लोग तेरे ऊपर हंसेंगे, कौन है फिर वो लोग? क्या फर्क पड़ता है उन लोगों से तुम्हें? और दुनिया बहुत बड़ी है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो जब आप रोते हो तो अकेले होते हो, जब आपका बुरा वक्त होता है आप अकेले होते हो, जब आप जन्म लेते हो तो अकेले जन्म लेते हो, जब आप मरते हो तो अकेले मरते हो, फिर उसके बाद इस पूरी जिंदगी में ये दुनिया भर की भीड़ इकट्ठी करने की क्या जरूरत है भाई? अपनी जिंदगी को अगर बेहतर बनाना है तो अपने हिसाब से बनाइए ना। अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा वक्त भी चल रहा है तो उस बुरे वक्त को आप जानते हैं, कोई और तो नहीं जानता, फिर भला कोई और क्या बोलता है, क्या फर्क पड़ता है? और अगर फर्क भी पड़ता है तो क्या हुआ? फिर खुद को इतना काबिल बनाइए ना, इतनी मेहनत कीजिए ना कि एक वक्त के बाद वो जो आज आपको बुरा बता रहे हैं वो ही आपके लिए तालियां पीटे, वो ही आपकी तारीफ करे, अरे यार मुझे तो लगता ही था ये लड़का नाम करेगा एक दिन, मुझे लगता ही था यार कि ये लड़की ना बहुत टैलेंटेड है, देखो ना बहुत नाम करेगी एक दिन अपने माँ बाप का। जो लोग गालियां देते थे, समझे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे से, सिर्फ तुम्हें फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी सांसें तुम्हारे बदन से चल रही है, किसी और से नहीं। समझ में आई?
और रही बात इज्जत, ये वो फला डिका, जिस समाज में हम रहते हैं उसके संस्कारों को हमें संभालना होगा, आगे लेकर जाना होगा। लेकिन अपने माइंड को बैलेंस रखने के लिए आपको संस्कारों की बेड़ियां तोड़ने की जरूरत नहीं है। आज लाइव में आप देखेंगे लड़कियां छोटे छोटे से कपड़े पहनकर ऐसे खड़ी है, लेकिन हमने तो भाई पूरे कपड़े पहने हुए, क्योंकि हमारे संस्कार हमें अलाउ नहीं करते कि हम छोटे कपड़े पहने, तो हम कंप्लीट कपड़े पहने हुए। इनसे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं ना। लेकिन जो काम मुझे करना था वो मैं अभी भी कर रही हूं और मैं तब भी करती, तो क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? सिर्फ आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए, फिर पूरी दुनिया चाहे कोई कुछ भी करती हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी दुनिया आपसे चलती है। और हम क्या करते हैं, मैं उससे प्यार करता हूँ यार, मैं एक महीने से बात कर रहा था, मैं बात नहीं कर रही, मेरे से वो ब्लॉक कर दिया उसने मुझे, वो किसी और से बात कर रही है, वो ये कर रही है, वो ये। अरे भाई कोई कुछ भी कर रही है, उसे तुम्हारी पड़ी ही नहीं है, वो टाइम पास करने आई थी तुम्हारे पास, फिर तुम क्यों मरे जा रहे हो उसके लिए? जो लड़का तुम्हें धोखा देकर चला गया, तुम्हें क्या लगता है वो लड़का तुम्हारे लायक था? जो लड़की तुम्हें चीट करके चली गई, तुम्हें लगता है वो लड़की तुम्हारे लायक थी? अरे यार उसकी इतनी औकात नहीं थी वो तुम्हें संभाल पाती, उस लड़के की इतनी औकात ही कहां थी जो तुम्हें समझ पाता। तो जो जाए ना बहुत अच्छी बात है, फिर उसको वो बनकर दिखाओ तो वो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएं, यार ये क्यों खो दिया मैंने। और अगर कोई साथ है तो बहुत अच्छी बात है, ईमानदार है तो बहुत अच्छी बात है, रिश्तों को संभाल कर रखिए। लेकिन जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर आपके पास कभी भी आपको लगे ना कि मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है यार, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, देखो आप में से अगर किसी को भी लगे ना मैं मरना चाहता हूँ, मेरे पास कोई सुसाइड नहीं है, सुसाइड करना है, मेरे पास कोई वजह ही नहीं, मैं जिंदा क्यों रहूं, मुझे बताना। बहुत सारे काम है यार, पता है सुबह से शाम तक काम करते करते कमर टूट जाती है यहाँ पर, भगवान का सब। अगर किसी का भी मन करे ना तो बताना, बहुत से अनाथ लोग घूमते हैं यहाँ पर, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप नहीं है, बहुत से ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं है, बच्चे हैं लेकिन वृद्धाश्रम में उनको छोड़ दिया है, उनको माँ बोलने वाला कोई नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको मेरा बेटा बोलकर उसके सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं। आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पास माँ बाप भी हैं और बच्चे भी हैं, भाई बहन भी हैं, अच्छा अपना घर भी है। कोई भी अगर आपकी नहीं सुनता ना तो आप अपनी सुनिए, सिर्फ अपनी सुनिए, अपने हिसाब से अपने गोल तय कीजिए, किसी पर अपनी सोच मत थोपिए, कोई और आपके ऊपर जो भी बोलता है सुन लीजिए, हाँ ठीक है, लेकिन करना वही है जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सही लगता है। यहाँ पर मैं जितनी भी बात कर रही हूँ आपके सक्सेस की कर रही हूँ, किसी गलत चीज में अपना माइंड लगा कर, ये नहीं कि मुझे तो अच्छा लगता है किसी लड़की से बात करना, किसी लड़के से बात करना, समझ में आई? आधार चक्रा की पावर को आपको ऊपर के चक्राज में ट्रांसफर करनी है, आधार चक्रा पर ही पूरी जिंदगी जीकर गधों की तरह जिंदगी काट कर नहीं जाना है। ठीक है आए और पूरी जिंदगी, ठीक है जन्म लिया, बड़े हुए, बच्चे पैदा किए और बस ठीक है, कुछ अलग करके जाना है कि आपके जाने के बाद भी लोग कहें कि हाँ कोई तो था, जिसके जाने के बाद लाखों लोगों की आंखों में आंसू आए, ऐसा कुछ करके जाना है। ठीक है उसको करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके अंदर बहुत बड़ा टैलेंट होना चाहिए। अरे यार एपीजे अब्दुल कलाम तो मिसाइल मैन थे, उनके बाद जाने के बाद तो लोग रोएंगे ना, देखो लोग कितना याद करते हैं उनको, जब तक ये भारत देश रहेगा उनका नाम अमर रहेगा, पता है? पर वो तो यार वो तो एपीजे अब्दुल कलाम था, मैं मुझे कौन याद करेगा, मेरे अंदर क्या है भाई? उसके पास भी कुछ नहीं था, वो भी बहुत गरीब घर से था, वो भी सड़कों पर बाहर बैठकर रोड लाइट पर किताबें पढ़ते थे, लेकिन करने की एक जज्बा था कि कुछ करना है। क्यों लोग बोलते हैं यार पहले के टाइम पर एजुकेशन नहीं थी, आज के लोग बोलते हैं कि आजकल हम बहुत पढ़े लिखे हैं और पहले के लोग गवार हैं। तो जिस देश में आज आप रह रहे हैं ना, उस देश का जो संविधान लिखा है भीमराव अंबेडकर जी ने, आपसे पहले पीएचडी कर ली थी उन्होंने, उन्होंने बहुत सारे देशों का संविधान पढ़कर तब वहां से वो चीजें क्रीम क्रीम निकाली थी जो इस देश को सदियों तक विश्वगुरु बनाकर रखे, यहाँ के रहने वाले हर एक इंसान को बराबर का अधिकार दे सके। उस इंसान का माइंड तब इतना चल रहा था जितना आज आपकी मशीनें नहीं चल रही हैं। तो हालात अगर आज आपके खराब हैं तो दोष मत देना उन चीजों को, क्योंकि जब एक गरीब का बच्चा स्कूल के बाहर
क्लासरूम के बाहर खिड़की की तरफ खड़ा होकर पढ़ सकता है ना, उसके बाद पीएचडी कर सकता है। तो आप तो स्कूल जाते हैं, आपके पेरेंट्स आपको यूनिफॉर्म पहनाकर टिफिन पकड़ा कर बोलते ले बेटा स्कूल जा। तो सबसे बड़ी बात है, हाँ बहुत से लोग यहाँ पर कच्चा बादाम पर, अरे यार छोटी छोटी सी बच्चियां ऐसे ऐसे ठुमके लगा रही हैं, मतलब पेरेंट्स को भी शर्म नहीं आती, तुम बच्चों को क्या करवा रहे हो। जहां और देश अपने देश को ऊपर ले जाने के लिए नई नई आइडियाज बना रहे हैं, नई नई प्रोडक्ट बनाकर हमारे मार्केट में बेच रहे हैं, और हमारे लोग उनको खरीद कर पहनकर वीडियो बनाकर कच्चा बादाम पर ठुमके लगा रहे हैं। हमारे यहाँ पर बताया जाता है कि कैसे बेली डांस किया जाता है, अरे यार बेली डांस किया जाता है, हम लोग क्या फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर गंदगी। फिर हम बोलते हैं लड़के लड़कियों को गलत बोलते हैं, दिखा क्या रही हो यहाँ पर। यहाँ कितने हैं, इनमें से कितने लड़के होंगे, मैं गारंटी से कह सकती हूँ 95% लोग यहाँ पर जेंट्स हैं। लेकिन मेरी लाइफ में पिछले एक घंटे से क्यों एक भी गलत कमेंट नहीं आया, क्यों हजारों लड़कियों के उनमें इतने गंदे गंदे कमेंट्स आते रहते हैं। जिंदगी हम लोगों ने इतनी बर्बाद कर दी ना अपने बच्चों की, फिर हम उम्मीद करते हैं अच्छा कोविड की वजह से ना यार हम बेरोजगार हो गए। नहीं, कोविड के टाइम पर लाखों लोग करोड़पति बन गए, पता है आपको, इस कोविड के टाइम पर लाखों लोग करोड़पति बन गए। जब लोग सोच रहे थे ना कि यार मेरा धंधा ठप हो गया या मेरे को जॉब नहीं मिल रही, मेरी स्कूलें बंद पड़ी है, उस वक्त बहुत से लोगों ने ऑनलाइन सब कुछ सीख कर आज एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर दिया, पता है, घर बैठे खा रहे हैं, अब करोड़ों के मालिक हो गए हैं पिछले 2.5 साल में। और हम लोग क्या इंतजार कर रहे हैं, लॉकडाउन कब खुलेगा, कोरोना कब जाएगा, भर्तियां कब निकलेंगी, उसमें तो मेरी एज भी पूरी हो ली, अब मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं करता, पिछले 2-3 साल से मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो होगा भी नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं मर जाता हूँ। अपनी कमजोरियों को यह कहें कि मैं कुछ कर नहीं सकता या करना नहीं चाहता, अपने निकम्मेपन को हमने बहुत सारा अच्छे अच्छे कपड़ों का चोला पहना दिया, सबकी कमियां बता दी, खुद को बचा दिया, और फिर बोलते मैं सुसाइड करना चाहता। अरे यार इतनी हिम्मत है तो मेहनत करना, इतनी हिम्मत है कि खुद को खत्म कर सकता है तो खत्म करना है, तो फिर तपाना मेहनत में, फिर पता चले कि तपना क्या होता है, मरना क्या होता है। क्योंकि जब तू तपकर उसमें मरेगा ना अपनी मेहनत में, तो वो सोना निकल कर आएगा बिल्कुल प्योर, जैसे भट्टी में तपाते हैं ना सोने को, तो एकदम उसका सारा मैल जो होता है, जो उसके अंदर मिलावट होती है, सब निकल जाता है, एकदम 24 कैरेट बिल्कुल खरा सोना आप वो बनकर निकलेंगे। फिर आप और लोगों को बोलेंगे यार तू ये क्यों नहीं कर सकता, कर सकते हो आप भी, जिंदगी खत्म करना उपाय नहीं है। जब सब कुछ टूट कर बिखर गया हो ना, तब कहे यार अब मैं खड़ा होकर सब कुछ बनाऊंगा दोबारा से, और देखता हूं मुझे कौन रोकता है, वो है जिगरा, वो है मर्दानगी। मरना तो यार कोई भी मर जाएगा, चलते चलते पैरों नीचे कितने कीड़ी मकोड़ी तो आप मार देते हो, उसमें क्या बड़ी बात है। तो एक बात याद रखना, आपके माँ बाप हैं आपके पीछे, जिस दिन आप माँ बाप बन जाए उसके बाद सोचना ये बात कि मैं जिंदगी खत्म कर सकता हूं, तो आपको 100 बातें आपके माइंड में आएंगी, और तब भी अगर आपके माइंड में कुछ आता है तो शर्म आनी चाहिए कि तुम इतने बेकार हो कि तुम अपने शरीर का, अपने पेरेंट्स का, किसी का लिहाज नहीं करते। उस मंदिर को जिसको तुम्हारी माँ ने 9 महीने कोख में रखा, अपने सीने से खून तुम्हें पिलाया है ना, अपने पूरी जिंदगी भर की कमाई माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर लुटाई है, अपने बाप ने, तुम्हारे बाप 4 साल में एक जोड़ी कपड़े बनवाते होंगे, तुम्हारे लिए साल में 4 बनते होंगे, आजकल तो महीने में 4 आ जाते हैं, और उसकी अगर आप बेइज्जती करके ये बोलते हैं कि मैं मरना चाहता हूं, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। कुछ करना है तो ऐसा करके निकलो कि माँ बाप भी कहें यार यार ये मेरा शेर है, माँ भी कहे बेटा हो तो ऐसा हो, बेटी हो तो ऐसी हो। तो गाय इतने सीरियस होने की जरूरत नहीं, जिंदगी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे मजे से जीना है, एंजॉय करते हुए जीना है। अरे यार खुशी मनाने के लिए क्या बहुत बड़ा कुछ ऐसा खबर आनी चाहिए क्या कि मेरी तो 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। मैं पता है खुशी मनाने के लिए क्या करती हूँ, आप भी कीजिए मेरे साथ।
हाथ ऊपर कीजिए, कर रहे हैं आप सब? हेलो पवन, आप हाथ ऊपर कर रहे हैं? मुट्ठी बंद कीजिए, कर रहे हैं? गुड, किया। मैं सबको देख रही हूँ, बता रही हूँ, मैं सबको देख रही हूँ। अब अपनी एक उंगली ऊपर कीजिए, किया। अब इसको नाक के नीचे रखिए, रखा। सांसें चल रही है ना, चल रही है ना? तो और क्या चाहिए सेलिब्रेट करने के लिए यार, तुम जिंदा हो, अभी तुम जिंदा हो, इससे बड़ा और क्या चाहिए तुम्हें खुशी मनाने के लिए? I'm so sad. हम एक चीज भूल जाते हैं ना, ये अंग्रेज जो हमें सिखा कर गए ना, चला बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी इन्होंने। हमें दो चीज सिखाई है बस, I'm good, I'm fine, I'm sad, I'm so sad, I'm very bad. मतलब इससे आगे हमें आता ही नहीं है कुछ। जिन जिन शब्दों का हमारे माइंड के ऊपर ज्यादा असर होता है ना, जिनसे हमारी एनर्जी बहुत लो होती है ना, हमें वो चीजें सिखाकर चले गए अंग्रेज, और हम उन चीजों को रिपीट किए जा रहे हैं। अरे यार क्यों लिखते हो आई एम सो सैड, टाइप करो ना आई एम ग्रेट। क्यों क्यों बोलते हो आई एम गुड आई एम फाइन? क्यों आप कभी ऐसा बोल सकते हो आई एम ग्रेट? कभी नहीं आप बोलोगे आई एम ग्रेट, आपकी एनर्जी खुद बोलेगी, आपकी बॉडी बोलेगी यार ये बोल रहा है इसका मतलब सही बोल रहा होगा, तो आपके सारे ऑर्गन्स अलर्ट हो जाएंगे। आप बोलेंगे आई एम फाइन, बोला यार ये तो बड़ा परेशान है ना, चलो तो आपके बॉडी ऑर्गन्स भी ढीले हो जाएंगे, समझे? तो कभी भी परेशान नहीं होना है, सैड क्यों होना है यार, जिंदगी में वैसे भी जिस दिन जाएंगे उस दिन सब कुछ यहीं रह जाएंगे, ये कपड़े भी जल जाएंगे जब वहां पर ले जाएंगे ना, वहां आखिरी बार वहां ये भी जल जाएंगे, फिर क्या जाएगा? कुछ भी नहीं, जो शरीर होगा उसकी भी राख बन जाएगी, एक दो हड्डियां बचेंगी वो भी गंगा माँ के पास पहुंचा दी जाएंगे, बचेगा क्या यहां पर अपना, बचेगा क्या यहां पर अपना? सिर्फ एक चीज बचेगी, वो है कि इस जिंदगी भर में आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें। आप आए धरती पर, इतने सालों जिंदा रहे, खाया पिया, क्या बदलाव किया आपने, क्या बदलाव किया आपने यहां पर, आपके होने से इस धरती पर क्या फर्क पड़ा? ये चीजें आपके जन्म लेने की एक अहमियत तय करती है कि अगर आप इस धरती पर आए हैं, अगर आपने अपनी माँ को 9 महीने कोख में तकलीफ दी है, आपके जन्म के टाइम उन्होंने इतना दर्द सहा है, आपके पेरेंट्स ने जिंदगी भर की कमाई आपको बड़ा करने में लगाई है, आपने भी जिंदगी भर बहुत गधे की तरह पैर रगड़े हैं, बहुत परेशान हुए हो यार, तो फिर जब यहां से जाओगे तो कुछ तो छोड़कर जाना है ना यहाँ पर, कुछ तो ऐसा करके जाना है यहाँ पर कि आपके जाने के बाद लोग कहें कि हाँ यार कुछ तो खास था, या फिर एटलीस्ट एक इंसान की जिंदगी तो बचा कर जाएंगे ना, किसी को फर्क नहीं पड़ता ना, पड़ता है? यहाँ पर दर्द हर कोई दे देगा, चलते चलते भी ना, अगर आपकी बाइक किसी से टच हो गई, या फिर आप जा रहे हैं, अगर सामने से बेचारा कोई रोड क्रॉस कर रहा है, आप रेड लाइट जंप कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छे से जेब्रा क्रॉसिंग पे आ रहा है, तो भी आप एकदम से ब्रेक मार के ऐसे देखेंगे उसको, दिमाग खराब हो रहा है, मरेगा, मेरी बाइक के सामने मरने के लिए आ रहा था। और अगर वो मेरी तरह कोई अक्कड़ वाला हुआ तो वो उल्टा बोल गया, तो बस वहीं पे जूत बच जाने उनके। देखो दिमाग खराब करने में कितनी देर लगती है, इतनी सी देर लगती है, लेकिन अगर कोई इंसान परेशान जा रहा हो ना, क्योंकि मेरा एक ही है, जब मैं किसी इंसान को परेशान देखती हूँ, और खास तौर पर जब कोई अंकल आंटी होते हैं ना, और वो बड़े परेशान से ऐसे जा रहे होते हैं, उदास सा चेहरा, उनके दिमाग में हजारों थॉट्स चलते होते हैं उस वक्त, उनके दिमाग में पता नहीं क्या बातें चल रही होती, उस वक्त सिर्फ मैं एक काम करती हूँ, हाय अंकल कैसे हैं आप, नमस्ते, आप कितने अच्छे लग रहे हैं, आपकी स्माइल कितनी अच्छी है, वो हैरान रह जाता है कि ये लड़की कौन है, ये पागल वागल है, कौन है ये? बेटा मैं आपको जानता हूँ। हाँ अंकल आप मुझे जानते हो, कौन, मैं आपकी बेटी तो हूँ। उसके चेहरे पर सच में इतनी बड़ी वाली स्माइल आती है, पता है जो थॉट प्रोसेस उसका चल रहा था ना, जो वो सोच रहा था ना, परेशान था जिस चीज के लिए, वो कनेक्शन हमने तोड़ दिया। देखो मेरा कुछ नहीं गया ना, मैं हंसकर बोली, खुशी से बोली, तो मेरी एनर्जी भी डबल हुई, मेरी वाइब्स भी डबल हुई, और वो मुस्कुराए, उन्होंने मेरे अकॉर्डिंग मुझे रिप्लाई दिया, वो मुस्कुराए, ब्लेसिंग थी, तो मेरी वाइब्रेशन 4 गुना बढ़ गई यार, और वो इंसान वो भी खुश हो गए। क्या जाता है किसी को खुशी देने में,
थोड़ी सी अपने अंदर खुश रहने की हिम्मत। आपको किसी को खुशी देने के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को खुश रखिए। आप हर जगह जहां जाएंगे खुशियां बांटेंगे। तो गाइस जितने भी दोस्त हैं बीच में, अगेन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे बायो में लिंक है, एक बार जाकर फटाफट से मेरा यूट्यूब चैनल स्माइल विद चंदा, कि हम बात भी स्माइल की कर रहे हैं, तो स्माइल विद चंदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आइए। वहाँ आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आने वाले हैं। तो जितना प्यार जितना सपोर्ट आप मुझे यहाँ दे रहे हैं, आई होप आप उतना ही प्यार मुझे वहाँ भी देंगे। तो प्लीज से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार जाकर फटाफट से आप एक बार जाकर सब्सक्राइब करके आइए, क्योंकि कहते हैं ना खुशियां बांटने से बढ़ती है, राइट। तो अगर आपको इस लाइफ से थोड़ा भी बेनिफिट हुआ है, मेरी डिस्क में बहुत प्रॉब्लम है, मैं अभी मुझे पेन भी होना शुरू हो गया है बस, तो अभी लाइव का हम एंड भी करेंगे, लेकिन अगर मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ तो इतना तो मेरा हक बनता है ना कि आपसे मैं मांग सकूँ, हक से मांग सकूँ मैं कि वहां पर जाकर आप मुझे सब्सक्राइब करके आइए यार, और चैनल को शेयर भी करना, हमें बहुत जरूरत है आपके सपोर्ट की। हाय सिद्धार्थ बेटा, कैसे हो आप? तो अभी काफी सारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच।